नमस्कार, आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आरएसपी में संकल्प, एक सुरक्षा हस्तक्षेप का शुभारंभ। आरएसपी में सेल प्रशिक्षण सलाहकार समिति की बैठक आयोजित। और रौरकेला स्टील प्लांट के सेक्टर 20 के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्रों को बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन सफलता हासिल। अब समाचार विस्तार से। रौरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने 8 मई को एक अनूठी पहल, संकल्प एक सुरक्षा हस्तक्षेप की शुरुआत की। सीईओ ने गोपोंदु ऑडिटोरियम में आयोजित 828वें सामूहिक संपर्क सभा में इस पहल का शुभारंभ किया। कार्यपालक निदेशक परियोजना श्री राजीव अग्रवाल, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री गौतम बैनर्जी और कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर बोलते हुए श्री चटराज ने आरएसपी कर्मी समूह से सुरक्षा को अपने दैनंदिन जीवन में एक आंतरिक हिस्सा बनाने के लिए मौखिक अभियान शुरू करने का आग्रह किया। उन्होंने आगे कहा कि हम जहां भी रहें, सुरक्षित अभ्यास और सुरक्षा प्रोटोकॉल हमारे बातचीत का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। हम में से प्रत्येक को सुरक्षा राजदूत बनने की जरूरत है। दुर्घटना मुक्त इस्पात के लक्ष्य को साकार करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा करते हुए सीईओ ने कहा, मेरे लिए सुरक्षा की एबीसी है, जागरूकता, विश्वास और प्रतिबद्धता। हम खतरों के प्रति जितना सजग रहेंगे, हमारे स्वयं की क्षमता पर हमें जितना दृढ़ विश्वास होगा और अपने ध्येय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता जितनी मजबूत होगी, उतनी ही शीघ्रता से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। दुर्घटना रूपी दानव को भगाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सीईओ ने कर्मी समूह से ये शपथ लेने के लिए कहा कि वे ना तो असुरक्षित अभ्यासों का पालन करेंगे और ना ही किसी को ऐसा करने देंगे। विश्वास व्यक्त करते हुए स्टील प्लांट दुर्घटना मुक्त इस्पात बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा, श्री चटराज ने ये कहकर अपना भाषण समाप्त किया। विश्वास करें, हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं और हम साथ मिलकर अवश्य करेंगे। श्री बैनर्जी ने अपने संबोधन में कहा, दुर्घटनाएं असुरक्षित व्यवहार और असुरक्षित परिस्थितियों के कारण होती है। आप अपने संबंधित क्षेत्रों के कर्ता धर्ता हैं और आपसे बेहतर आपके क्षेत्र के एसओपी एवं एसएमपी को कोई भी नहीं जान सकता है। दुर्घटना से बचने के लिए जहां भी जरूरत पड़े, प्रक्रियाओं और प्रथाओं में सुधार किया जाना चाहिए। श्री बैनर्जी ने अपने भाषण में समापन में कहा कि यदि हम सतर्कता के साथ वर्तमान के हर पल को जिए तो हम निश्चित रूप से सभी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उप महाप्रबंधक प्रभारी सुरक्षा पर्यावरण एवं अग्निशमन सेवा श्री सुब्रत आचार्य ने सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवा पर एक प्रस्तुतिकरण किया। प्रारंभ में उप महाप्रबंधक एचआरडीसी श्री एस के पाणिग्राही द्वारा सभी उपस्थित लोगों को ऑडियो में सुरक्षा संकल्प ग्रहण कराया और स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के प्रारंभ में आरएसपी के जनसंपर्क विभाग द्वारा सुरक्षा पर निर्मित दिल को छू लेने वाली ऑडियो लघु फिल्म अपणंकर अपेक्षारे के ही अशंति प्रदर्शित की गई। सत्र के दौरान सुरक्षा पर आधारित अन्य एक फिल्म सुरक्षित सफर भी दिखाया गया। इसके अलावा कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन द्वारा समर्थित मेटल इंडस्ट्री में शीर्ष 10 दुर्घटनाओं पर एक फिल्म भी प्रदर्शित की गई। उप महाप्रबंधक अग्निशमन सेवा श्री बीपी दास ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। वरिष्ठ इंस्ट्रक्टर एचआरडीसी श्रीमती समिता मिश्र ने कार्यक्रम का संचालन किया। सीईओ के सम्मेलन कक्ष में 7 मई को सेल प्रशिक्षण सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चटराज ने बैठक की अध्यक्षता की। कार्यपालक निदेशक एमटीआई सुश्री कामाक्षी रमन, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री गौतम बैनर्जी एवं कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री डी के महापात्र भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
इसमें सभी महाप्रबंधकों, विभागाध्यक्षों और डीआरओ ने भाग लिया। एचआरडी पहलों की समीक्षा और वार्षिक प्रशिक्षण योजना 2019-20 का अनुमोदन बैठक का उद्देश्य था। बैठक के दौरान सेल में शिक्षण एवं विकास और भविष्य के प्रमुख क्षेत्रों पर एक अवलोकन सहायक महाप्रबंधक एवं वरिष्ठ प्रशिक्षक एमटीआई श्री जितेंद्र नाथ हेमरम द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसके बाद उप महाप्रबंधक एचआरडी श्री एस के पाणिग्राही द्वारा टीएससी के सुझाव के अनुसार आरएसपी की योग्यता एवं दक्षता कार्यक्रमों पर प्रस्तुतिकरण की गई। निष्पादन, दक्षता, शिक्षण और अनुप्रयोगों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रारंभ में महाप्रबंधक एचआरडी श्री राजेंद्र मिश्र ने सभा का स्वागत किया। औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन उप महाप्रबंधक श्री एच एन पति द्वारा किया गया। आरएसपी एचआरडी द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 के छात्रों ने 10वीं आईसीएसई बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है। आईसीएसई कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने वाले 142 छात्रों में से 77 छात्रों ने 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। ये शुरू से लेकर अब तक का बेहतरीन परिणाम है। उनमें से 32 को 95% या उससे अधिक अंक मिले हैं। ओबीवीपी के श्री दिनेश नायक के पुत्र जयेश नायक और नगर सेवा विभाग की श्रीमती पुष्पलता साहू की बेटी शोवांश्री साहू ने 98.2% अंकों के साथ संयुक्त रूप से स्कूल के टॉपर बने। सिलिकॉन स्टील मिल के श्री भोलानाथ बेहरा के पुत्र रजत कुमार बेहरा और सिंटरिंग प्लांट 1 के श्री देवेंद्र नारायण पंडा के पुत्र अमरेंद्र पंडा ने 98% अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान हासिल किया है। इसी तरह WMD के श्री रंजन रश्मि मल्लिक की बेटी मनीषा मल्लिक और श्री रामचंद्र सेठी के पुत्र ज्योति प्रकाश सेठी ने 97.8% अंकों के साथ स्कूल में संयुक्त तीसरा स्थान हासिल किया है। आरएसपी के इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 22 ने 7% परिणाम दर्ज किया। आईसीएसई कक्षा 10वीं की परीक्षा में उपस्थित होने वाले कुल 27 छात्रों में से 3 ने 90% और उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने स्कूलों के उत्कृष्ट प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने शानदार प्रदर्शन और जीवंत युवा मन के लिए सफल छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।